प्रश्न है कि इस भूमाफिया को किसकी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थी अखिलेश यादव जी इसका जवाब दें दूसरा प्रश्न बहुत तफसील के साथ मीडिया रिपोर्ट एक एक विषय को उजागर कर रही है जो मास्टरमाइंड था इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उस मास्टरमाइंड के काली करतूतों से लोग वाकिफ थे मीडिया का बड़ा स्पष्ट कहना है कि हर कोई यह जानता था कि जो मास्टरमाइंड है वो किस प्रकार के को अंजाम दे रहा था पंद्रह लोगों पर जानलेवा हमला करने का भी उस पर केस चल रहा था जो आसपास के मथुरा के लोग थे वह भी पूरी तरह से उस व्यक्ति के उस समूह के कार्यकलापों से परेशान थे ऐसे में ढाई तीन वर्षों तक वह व्यक्ति मथुरा के गलियों में चौड़ा करके घूमता रहा यह सब कुछ प्लान करता रहा प्रशासन और पुलिस शांत रही यह ऐसे ही तो नहीं हो सकता है सब कुछ जानते हुए उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई यह दूसरा प्रश्न अखिलेश यादव जी के सामने तीसरा प्रश्न अभी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर पुलिस जो है डायरेक्टर जनरल पुलिस उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना उन्होंने बड़े स्पष्टता के साथ कहा कि जब पुलिस वहां पहुंची तो पहले से ही कुछ लोग बंदूक लेकर पेड़ के ऊपर बैठे थे और पुलिस को देखते ही उन्होंने तावर तोड़ चलाना शुरू कर दिया जिसमें कि दो पुलिसकर्मी अपने जीवन को खो बैठे बड़ा आश्चर्य का विषय है इतना बड़ा पुलिस महकमा पुलिस बिना तैयारी के वहां चली जाती है किसी प्रकार का इंटेलिजेंस नहीं कि पेड़ के ऊपर लोग बैठे हुए हैं बंदूक लेकर बैठे हुए हैं ये, है। ये कोई साधारण बात नहीं है जो भी व्यक्ति पुलिस में भर्ती होते हैं वो जनता की हिफाजत के लिए भर्ती होते हैं मुस्तैदी के साथ काम करना चाहते हैं मगर अगर इंटेलिजेंस ही नहीं है कि पेड़ के ऊपर पहले से ही बंदूक लेकर लोग बैठे हुए हैं तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से अखिलेश यादव जी से यह पूछना चाहते हैं कि यह तैयारी क्यों नहीं थी पुलिस की यह इंटेलिजेंस कहां नदारत थी चौथा सवाल अभी मीडिया में हम देख रहे हैं तमाम न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि किस प्रकार का असला और बारूद जवाहर बाग से निकाला गया है प्रकार वहां बम बारूद एम्यूनिशन इन सबका जमावड़ा था यह कोई रातों रात तो नहीं हो गया जिस में ये इकट्ठे हुए हैं ये खुद अपने आप में बयान करता है कि ये वर्षों का काम था दो ढाई वर्ष से धीरे धीरे करके एक मिनी वॉर जोन एक छोटा युद्ध भूमि के रूप में उसे तैयार किया गया है उसके अंदर इतना असला बम बारूद इत्यादि है आधुनिक हथियार भी वहां मौजूद थे टीवी खुद दिखा रही है अब प्रश्न उठता है कि इतना कुछ असला वहां जमा हो रहा था यह उत्तर प्रदेश का बिल्कुल केंद्र है सेंटर है मथुरा कोई छोटा शहर नहीं है वहां की प्रशासन कोई छोटी प्रशासन नहीं है उसके बावजूद भी मथुरा में उत्तर प्रदेश में प्रशासन से ये गई कि वो जगह था यह छोटी बात नहीं है इतना असला ऐसे ही इकट्ठा नहीं हो जाता है ये बिना प्रशासन के और पुलिस के जाने बगैर असला वहां इकट्ठा हो जाए यह संभव नहीं है जब बम या असला आता है तो कई चेक पोस्ट पार करके उन्हें आना पड़ता है क्या इन चेक पोस्ट पे उन्हें रोका नहीं गया क्या इन चेक पोस्ट पे उनसे प्रश्न पूछा नहीं गया क्या इन लोगों को जिन जिन लोगों ने असलों को लाकर बम और बारूद को लाकर यहां जमा किया उनसे पूछताछ नहीं की गई या भ्रष्टाचार के कारण हर चेक पोस्ट में उन्हें छोड़ा गया यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन की हालत क्या है पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में एक महत्वपूर्ण शहर में शहर के बीचों बीच इतना बम बारूद इकट्ठा हो जाता है और पुलिस जान नहीं पाती है यह पांचवा सवाल था अखिलेश यादव जी से ये चौथा सवाल था अखिलेश यादव जी से कि आखिरकार आपकी प्रशासन कहां नदारत थी बम बारूद इकट्ठे हो रहे थे और प्रशासन क्यों नहीं जान पा रही थी पांचवां सवाल देखिए पुलिस का काम जनता की हिफाजत करना है जब खुद पुलिस हताहत हो जाए जब खुद पुलिस अपने जान के लिए परेशान रहे तो जनता की हिफाजत कौन करेगा जब पुलिस ही परेशान रहे तो जनता का क्या होगा और मैं एनसीआरबी के डाटा को लेकर बैठा हूं विगत कुछ महीनों और जब से खास करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से किस प्रकार पुलिस के साथ व्यवहार किया गया है वह भी सोचनीय है वह भी चिंतनीय है दो दिन पहले आप लोगों ने न्यूज में सही दिखाया भी और हम लोगों ने उसे आज आपके सामने रख रहे हैं हम आजमगढ़ आजमगढ़ थाने के ऊपर पथराव होता है जबरन एक क्राउड आजमगढ़ थाने में घुस जाती है और जिसको जेल में बंद किया था उसको छुड़ा देती है है ये आजमगढ़ थाने में होता अप्रैल को बस्ती नामक पुलिस स्टेशन में किस प्रकार एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दिया जाता है कुंडा पुलिस स्टेशन जो प्रतापगढ़ में है वहां एक होमगार्ड को गोली मार दी जाती है पीलीभीत में हेड कांस्टेबल को मार दिया जाता है बदाऊ में दो पुलिस अधिकारी जाते हैं एक म्यूजिक चल रहा है उसे कम कराने के लिए गोली मार के हत्या कर दी जाती है एनसीआरबी के के रिकॉर्ड बड़े स्पष्टता के साथ कहता है कि जब से अखिलेश यादव जी की सरकार आई है पुलिस के ऊपर इस प्रकार का जो वारदात है वो तीन गुना बढ़ चुका है आप देखिए 2014-15 में पुलिस के ऊपर 300 अटैक हुए विगत चार वर्षों में एक हजार चौवन बार पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है यह एनसीआरबी की रिकॉर्ड है तो स्वाभाविक रूप से जिस राज्य में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है उस राज्य में जनता का क्या होगा जरा आप सोच के देखिए और पुलिस की प्रिपेयर्डनेस पर तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जिस पुलिस को प्रिपेयर रहना चाहिए बहुत दुख का विषय है आज एसपी नहीं है हमारे बीच में पुलिस के एसपी को लोग मार देते हैं कांस्टेबल मर जाते हैं एस एच ओ मर जाते हैं अगर एस एच ओ और एस पी को ही डी जी पी बचा नहीं सकते हैं चीफ मिनिस्टर बचा नहीं सकते हैं तो आम आदमी को साधारण व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर किस प्रकार से हिफाजत दे सकते हैं ये हम अखिलेश यादव जी से पांच प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं जैसे कि आप सबको पता है राजनाथ जी ने इस पूरे विषय की जानकारी ली है और जो भी मदद संभव होगा वह केंद्र सरकार राज्य सरकार को जरूर देगी मगर उत्तर प्रदेश को लेकर खास करके समाजवादी पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में जैसी एक छवि बनाई है अगर एक शब्द में कहा जाए वो शब्द बहुत प्रचलित शब्द है वह है जंगल राज वह है गुंडा राज, जो गुंडा राज की छवि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने बनाई है आज उसका जीता जागता उदाहरण हम सब ने देखा है सिर्फ अंत में इतना ही पूछना चाहते हैं अखिलेश यादव जी से कि क्या आपको नैतिक रूप से जिम्मेदारी इस पूरी घटना की नहीं लेनी चाहिए क्या आपको इन सारे सवाल जो हमने सवाल रखे हैं आपके सामने नैतिक रूप से इन सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए हम अपेक्षा करते हैं कि अखिलेश यादव जी इसे सुन रहे होंगे और सिलसिलेवार तरीके से इन पांचों प्रश्नों का वो जवाब देंगे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट हेमा जी को जैसे ही ये पूरा विषय मालूम पड़ा हमने खुद अभी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से देखा ट्विटर के माध्यम से देखा बड़े संवेदनशीलता के साथ इन्होंने इस विषय को लिया है गंभीर चिंता प्रकट की है और आने की बात भी कही है यथाशीघ्र वो जरूर मथुरा पहुंचेंगी ऐसी हमारी जानकारी भी है और दूसरी बड़ी बात है कानून व्यवस्था राज्य का विषय है हम इस पूरे मसले पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं पांच प्रश्न अगर हमने पूछा है हमने इसलिए पूछा है क्योंकि ये सत्ता का धर्म होता है कि जो सत्तारूढ़ सरकार होती है अगर वो जान की हिफाजत न कर सके जानो माल को बचा न सके तो हम उनसे प्रश्न पूछें इसलिए हमने ये पांच प्रश्न पूछे हैं मगर जहां तक हेमा मालिनी जी का सवाल है मैंने कहा कि वो जरूर पहुंचेंगी ऐसी जानकारी हमें है और उन्होंने संवेदना भी जताई है अखिलेश यादव भी वहां नहीं पहुंचे हैं अखिलेश यादव जी तो जहां तक हमारी जानकारी है वो खुद नहीं पहुंचे हैं वो तो चीफ मिनिस्टर है लॉ एंड ऑर्डर उनके कंधों पर है लोगों की हिफाजत करना उनके कंधों पर है केवल एक इंक्वायरी बैठाकर उस पर चुप हो जाना क्या अखिलेश यादव जी का यही कर्तव्य है इतने में ही उनका कर्तव्य समाप्त हो जाता है I'll answer that. Let's be very sensitive towards this issue. As far as English may be As far as this issue of Hema Malini reaching Mathura is concerned, I'm sure she will be reaching Mathura as she has expressed. I'm sure that she's extremely sensitive towards this as she has herself expressed. But the major issue is let's not divert the issue from when Hema Malini will reach Mathura because she'll surely reach there. The major issue is law and order is the state's issue. Naturally, the state has to address it. The chief minister has to reach there. The chief minister has to take talk of the situation of the law and order in Uttar Pradesh, as to why the police was unprepared, as to why all this was happening all this while for two and a half years, every kind of arms and ammunition was being pocketed in this Jawahar Bag, and still. एडमिनिस्ट्रेशन वो साइलेंट दीज आर द्वेश्चन स्टेट हैज टू आंसर मैं इसको हिंदी में भी बोल देता हूं जहां तक हेमा मालिनी जी का सवाल है वो वहां जाएंगी उन्होंने खुद व्यक्त किया है यथाशीघ्र जाएंगी वो चिंतित है इस विषय को लेकर पूरे विषय पर उन्होंने अपनी पैनी निगाहें लगाए रखी हैं मगर बड़ा विषय यह है कि यह कानून की व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है तो स्टेट को ही इस पर चिंता करना होगा मैं प्रश्न पूछता हूं जहां तक मेरी जानकारी है हमारी जानकारी है अखिलेश यादव जी तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं उनको पहुंचना चाहिए उनको जो हमने पांच सवाल पूछे हैं उन सवालों पर सोचना चाहिए और त्वरित रूप से जवाब देना चाहिए मैं इसका उत्तर देता हूं एक एक, एक एक करके पूछिए मैं दोनों का उत्तर दू आई जस्ट आई जस्ट आंसर दीज टू आई आल टेक यू क्वेश्चन ऑल की या पहली बात तो है जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता की बात है आप देखिए तुरंत आदरणीय गृहमंत्री श्री राजनाथ जी ने फोन पर मुख्यमंत्री अखिलेश जी से बात की और उन्हें आश्वासित किया कि जो भी मदद चाहिए वो हम देंगे दूसरी बात अध्यक्ष जी ने तुरंत हमारे राष्ट्रीय सचिव खुद मथुरा से जो हैं श्रीकांत शर्मा जी को वहाँ भेजा ताकि एक रिपोर्ट तैयार हो सके श्रीकांत जी वहाँ मौजूद हैं और लगातार इन डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं हेमा मालिनी जी ने खुद कहा मैं यथाशीघ्र पहुंचूंगी और मैं आपको आश्वस्त करता हूं ऐसी खबर हमारे पास है बहुत जल्दी ही हेमा मालिनी जी वहां पहुंच रही हैं वी शुड नॉट कैच होल्ड ऑफ मैं बहुत सम्मानपूर्वक एक कहना चाहूंगा ट्वीट्स ठीक है हम राजनीतिक जीवन में हैं आप सवाल जरूर पूछें मगर जो मुख्य मुद्दा है उससे हमें भटकना नहीं चाहिए हेमा मालिनी जी संवेदनशील हैं वो वहां पहुंचेंगी मगर उससे बड़ा विषय है मुख्यमंत्री वहां पहुंचे मुख्यमंत्री उन सवालों का जवाब दे जो सवाल हमने पूछा है क्योंकि कानून की व्यवस्था सांसद के पास नहीं कानून की व्यवस्था राज्य के पास है और जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो कानून की व्यवस्था टूट गई है इसलिए फॉर गॉड सेबल फॉर दिस मिस इन द डॉक एंड लेट देम आंसर द क्वेश्चन अगर हम लोग यहां वहां भटकेंगे तो जिन लोगों के कारण ये हुई है वो बच जाएंगे वो सवालों के जवाब नहीं देंगे प्लीज देखिए आज इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे बहुत दुखद घटना हुई है लोग लोग मारे गए हैं उस विषय को लेकर हम जाति के विषय में बात करें ये उचित नहीं होगा आज का यह विषय नहीं है नहीं बिल्कुल देखिए हमने पांच सवाल पार्टी की तरफ से पांच सवाल अखिलेश यादव जी के सामने रखा गया है वह सरकार के सामने ये पांच सवाल हमने रखा है इसलिए रखा है क्योंकि ये वाजिब सवाल है कोई भी जो साधारण व्यक्ति है वह भी इन सवालों से आज अपने मन में घर किया हुआ है कि आखिर ऐसे हुआ कैसे ढाई तीन साल से असला वहां चल रहा था पुलिस जानती थी वहां असला है पुलिस जानती थी पेड़ के ऊपर लोग बंदूक लेकर बैठे हैं फिर भी वहां कुछ नहीं हुआ ये सब क्यों हो रहा था जो मास्टर था वो इतने वर्षों से वहां खुला घूम रहा था पुलिस उसके ट्रैक रिकॉर्ड से वाकिफ थी फिर भी वो गिरफ्तार नहीं हो रहा था तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी कहीं ना कहीं संरक्षण राजनीतिक पार्टियों द्वारा उसे दी गई कौन है शासन में समाजवादी पार्टी है तो किसको जवाब देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों संरक्षण दिए हुए थे ऐसे लोगों को जिन्होंने कानून की व्यवस्था को इस प्रकार चरमरा दिया धन्यवाद